मशरक प्रखंड क्षेत्र के कवलपुरा पंचायत के कवलपुरा गांव के वार्ड नंबर 9 में ग्रामीण सड़क में घटिया क्वालिटी की ईंट का इस्तेमाल कर सोलिंग कार्य करने के दौरान ग्रामीणों के द्वारा रोकने और उस दौरान कवलपुरा मुखिया प्रतिनिधि पप्पू सिंह और ग्रामीणों के बीच घटिया निर्माण को लेकर बकझक का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में स्पष्ट रूप से ग्रामीण घटिया ईंट सामग्री का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वही वायरल वीडियो के बाद बातचीत करने पर वार्ड प्रतिनिधि ने कहा है कि मुखिया सड़क बनाने के नाम पर लूट मचा कर रखे हैं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पंचायत में सही काम नहीं होगा तो हम लोग उसका जमकर विरोध करेंगे। वही मुखिया प्रत्याशी दिनेश सिंह ने कहा है कि पुरानी ईंट से मुखिया सड़क का निर्माण करा रहे हैं, जिससे हम लोगों ने विरोध किया तथा मुखिया से कहा कि सड़क बनाने में सही ईंट हर हाल में लगाना होगा, अन्यथा इसकी जाँच के लिए सभी ग्रामीण जिलाधिकारी के पास जाएंगे। वहीं जब ईंट की जांच की गई तो सबसे घटिया ईंट से निर्माण कराया जा रहा था। हरिकिशोर सिंह की खास रिपोर्ट, सारण, बिहार। मैं रवि सिंह, वार्ड 9 का वार्ड प्रतिनिधि। मुखिया जी के द्वारा वार्ड 9 में सोलिंग हो रहा था। कौन सा पंचायत है? कौलपुरा पंचायत था ये। उसमें सोलिंग हो रहा था, वो पुराने ही ईंटा को सोलिंग था उसको जेसीबी से उखाड़ दिए, वो ईंटा को साफ करा के वही पुराने ईंट से फिर से सोलिंग करा रहे थे। हम और ग्रामीण जनता मिल के उस रोड को रोकने गए तो मुखिया जी बोले इस पे 2 लेयर कराएंगे। 2 लेयर होता है कहीं? और उसके बाद बोले जे काम रोक देंगे। तो हम लोग ने बोला काम काहे रोकिएगा, आप नया ईंटा से काम कराइए। तो बोले ठीक है, नया ईंटा से काम होगा। करा रहे हैं अभी? काम हो गया है ना, बाद में जब रोकने के बाद नया ईंटा से काम करा है वो। कितना दूर पुराना ईंटा से हुआ? लगभग 100 मीटर के आसपास पुराने ईंटा से काम करा है वो। हम दिनेश कुमार सिंह, ग्राम कलपुरा, वार्ड नंबर 9 के ग्रामीण जनता है। आज कल हम लोग गए तो मुखिया जी द्वारा जो पुराना खरंजा रोड था उसको जेसीबी से उखाड़ के और उसी ईंट को साफ कर कर और फिर से दोबारा लगाया जा रहा था। हम मुखिया जी से पूछे तो वो कह रहा है कि ऐसा ही होता है, पंचायत में हर जगह वो पुराने ईंट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी पर हम लोग आवाज़ उठाए हैं, ग्रामीण सभी लोग पहुंचे थे, रोका गया है। और रोकने के बाद जो ईंट अभी भी गिराए वो मीठा ईंट है 2 नंबर का, और अव्वल ईंट अभी भी नहीं लग रहा है, कुछ काम बाकी है। हम तो यहाँ सारण डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि इसको अपने स्तर से जांच कराया जाए। प्रखंड स्तर पर शिकायत नहीं दर्ज कराई? हाँ, हमने वीडियो साहब को कॉल किया था और उनको बताया तो कहे जो हम इसको देखवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।